स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर यूपीएस स्मार्ट सिपिंग क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस आई एम योर कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो यू स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर द कीबोर्ड। बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूपीएस स्मार्ट सिपिंग क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूँ आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों पिछले वीडियो में आपने अपने तीसरे पार्ट द कीबोर्ड को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। Now today, let's start with today's topics, numeric keypad, enter key, arrow key, delete key and backspace. चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का मुख्य बिंदु है numeric keypad, enter key, arrow keys, delete key and backspace key. numeric keypad के बारे में आप पिछले वीडियो में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूमेरिक कीपैड। विस्तृत विवरण देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक कीपैड का, द न्यूमेरिक कीपैड हैज अ नम लॉक की, प्लेसिंग दिस की टर्न्स नम लॉक ऑन। न्यूमेरिक कीपैड जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर बना हुआ देख रहे हैं, ये न्यूमेरिक कीपैड का चित्र है और यहाँ पे सबसे ऊपर में आप यहाँ देख रहे हैं यह है नम लॉक की। इसको नम लॉक की कहते हैं। प्रेसिंग दी की टर्न्स नम लॉक्स ऑन। इस की को आप जो भी दबाते हैं यह नम नम नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। नम स्टैंड फॉर नंबर, तो नंबर को लॉक करने का की है। तो प्रेसिंग दिस की टर्न्स नम लॉक ऑन, आप इसको एक बार अगर दबा देते हैं तो नम लॉक जो है नंबर का जो लॉक है वह ऑन हो जाता है। यानी कि अब ये नंबर लॉक हो गया। अब आप कुछ भी अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पे अगर दबाते हैं किसी नंबर को तो वो नंबर टाइप नहीं होगा, उसके ऊपर जो ये कैरेक्टर है वो टाइप होंगे। अगर नम लॉक की ऑन है तो आप नंबर लिखेंगे वो टाइप होगा, और अगर नम लॉक की ऑफ है बंद है तो आप जो नंबर टाइप करेंगे वह टाइप नहीं होगा। इसके ऊपर में जो ये कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ होम लिखा हुआ है, अगर आप इसको दबाते हैं तो आपका कर्सर अगर यहाँ पे है तो यह यहाँ से छलांग लगा करके और इसके बिल्डिंग में होम में आ जाएगा। यहाँ होम लिखा हुआ है अगर नम लॉक की ऑफ है तो, और नहीं अगर नम लॉक की ऑन है तो आप अगर 7 को प्रेस करते हैं तो आप स्क्रीन पर देखेंगे 7 ही टाइप होकर के आया। तो बच्चों द न्यूमेरिक कीपैड है या नम लॉक की, न्यूमेरिक कीपैड के पास एक नम लॉक की होता है, प्रेसिंग दिस की टर्न्स नम लॉक ऑन, इस की को दबाने पर नम लॉक ऑन हो जाता है। द न्यूमेरिक कीपैड कैन बी यूज टू टाइप नंबर्स ओनली व्हेन नम लॉक की इज ऑन। न्यूमेरिक कीपैड कैन बी यूज टू टाइप नंबर्स, इसका उपयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जा सकता है ओनली व्हेन नम लॉक की इज ऑन, लेकिन तभी जब नम लॉक की जो है यह ऑन रहेगा तभी नंबर टाइप किया जा सकता है। प्रेसिंग द की अगेन टर्न्स ऑफ द नम लॉक, अगर आप इस नम लॉक की को फिर से प्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यह टर्न्स ऑफ यानी कि बंद हो जाएगा। अब आप नंबर की को अगर प्रेस करते हैं तो वहां नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा। देन द की इज वर्क डिफरेंटली शोन बाय व्हाट इज प्रिंटेड बिलो द नंबर, जब नम लॉक की टर्न ऑफ हो जाएगा उसके बाद देन द की वर्क डिफरेंटली, तब वह अलग काम करेगा शोन बाय व्हाट इज प्रिंटेड बिलो द नंबर, उस नंबर के नीचे जो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वही वहां पे इस की के द्वारा टाइप होगा। लुक एट द न्यूमेरिक कीपैड, द नंबर की Numbers are arranged as they are on a calculator. आपने अगर एक कैलकुलेटर पर देखा होगा तो संख्याएं इसी तरीके से अरेंज रहती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
कैलकुलेटर पर तो यही पैटर्न है, ठीक यही पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर भी है। तो लुक एट द न्यूमेरिक कीपैड, द नंबर्स आर अरेंज्ड एज दे आर ऑन अ कैलकुलेटर। आप न्यूमेरिक कीपैड पर देखें यहाँ पे संख्याएं इस तरीके से व्यवस्थित है जैसे कि एक कैलकुलेटर पे हो। दिस इज यूजफुल फॉर पीपल हु यूज कैलकुलेटर अलॉट। यह उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर है नंबर्स का पैटर्न यहाँ पे, इसलिए उनकी उंगलियों को कोई खास परेशानी नहीं होगी। नाउ एंटर की, देयर आर टू एंटर कीज ऑन अ कॉमन कीबोर्ड। एक कॉमन कीबोर्ड सामान्य कीबोर्ड के ऊपर आपको दो एंटर कीज मिल जाते हैं। एक तो आपने देखा होगा अल्फाबेट कीज के ऊपर में आपको मिल जाता है, या तो स्टेट का मिलेगा या फिर स्टेट एंटर, और एक जो है आपको ये न्यूमेरिक कीपैड आप जो देख रहे हैं यहां पे देखिए इस कॉर्नर पे मिल गए। तो एक कॉमन कीबोर्ड के ऊपर दो एंटर की होते हैं। प्रेसिंग एंटर फाइव टाइप मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। जब आप टाइपिंग कर रहे हैं और आप एंटर की दबाते हैं तो ये क्या करता है, कर्सर को मूव करा करके अगले लाइन की शुरुआत में लेकर के रख देता है। इन मैनी प्रोग्राम्स फ्रेन अ बटन लाइक ओके इज सेलेक्टेड, यू मे प्रेस एंटर इंस्टीड ऑफ क्लिकिंग द बटन टू स्टार्ट अ टास्क। कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें आप देखेंगे एक छोटा सा विंडो आपको आएगा और उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे और यहां ओके लिखा हुआ रहेगा। अगर ये सेलेक्टेड है तो यहां पे आपको माउस पकड़ के माउस पॉइंटर को ओके पर लाकर और लेफ्ट बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस आप एंटर की को दबा लीजिए या ओके बटन जो है वह प्रेस हो जाएगा। तो इन मैनी प्रोग्राम्स कई प्रोग्राम में फिर अ बटन लाइक ओके इज सेलेक्टेड, जब ओके नाम से कोई बटन हो और वो सेलेक्टेड हो यू मे प्रेस एंटर इंस्टीड ऑफ क्लिकिंग द बटन टू स्टार्ट अ टास्क। आप उस काम को स्टार्ट करने के लिए ओके की जगह पर एंटर बटन को दबा सकते हैं। द एरो, अब इसके बाद एरो कीज। द एरो कीज हेल्प मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट और राइट। एरो की जो है यह आपको कर्सर को ऊपर नीचे बाएं या दाएं ले जाने में मदद करता है। मान लीजिए कर्सर यहां पे है, आप अगर अप की को प्रेस करते हैं तो कर्सर यहां से ठीक इस दिशा में यहां आ जाएगा। अब फिर अगर डाउन दबा लेते हैं तो फिर यहां से छलांग लगा करके या नीचे आ जाए। इसी तरीके से लेफ्ट दबाते हैं तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट दबाते हैं तो यहां राइट में अगर बैक स्पेस दिया गया होगा तो ये राइट जाएगा, नहीं तो ये फिर अगले लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से अप डाउन लेफ्ट और राइट एरो की का इस्तेमाल आपने जान लिया। द न्यूमेरिक कीपैड आल्सो हैज फोर कीज विद एरोज प्रिंटेड ऑन देम। आप यहां ध्यान से देखें 4, 6, 8, 2 और 8 इन चार कीज पर आपको चार एरो कीज जो है यहां प्रिंट किए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर भी चार एरोज की जो है वह प्रिंट किए गए होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां नीचे जो कीबोर्ड पर आपको एरो की मिलते हैं ठीक इसी के तरह आप नम लॉग के न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर भी एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एरो कीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज। एरो कीज को कर्सर कंट्रोल भी कंट्रोल की भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। समटाइम्स वी मे नीड टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप। कभी कभी ऐसा होता है
कि हमने जो टाइप किया है, हमने जो लिखा है, उसको हमें मिटाने की जरूरत होती है। टू काइंड्स ऑफ की हेल्प अस क्रिएट, दो तरह के की ऐसे होते हैं जो हमें मिटाने में मदद करते हैं। फर्स्ट डिलीट, देयर आर टू डिलीट कीज ऑन द कीबोर्ड। डिलीट की संख्या भी कीबोर्ड के ऊपर दो है। एक अगर आप देखें तो नीमेल कीपैड के नीचे वाले भाग में आपको डे की यहां पे मिल जाती है, और दूसरा अगर आप देखें तो इसे नीमेल कीपैड के ऊपर इस साइड में यहां पे आपको छह बटन्स बने हुए मिलते हैं। इसमें एक डिलीट बटन भी होता है। इसमें अक्सर आपको होम, एंड, इंसर्ट होम पेज अप, यहां इंसर्ट होता है होम पेज अप, पेज डाउन, उसको डिलीट यहां आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से दो जगह पर आपको डिलीट की मिलता है एक कीबोर्ड के ऊपर। There are two delete keys on the keyboard. Pressing the delete keys erases the character to the right of the cursor. आप जानते हैं ये बात ऑलरेडी पहले से ही कि डिलीट की का को प्रेस करने से या कर्सर के राइट साइड में जो भी कंटेंट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा, उसको इरेज करता है। Pressing the delete key after selecting a file or folder deletes the file or folder. अगर आपने स्क्रीन पर किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप डिलीट की को अगर प्रेस करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो आपका फाइल या फोल्डर है वह डिलीट हो जाएगा। जी हां, किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर के अगर आप डिलीट की को प्रेस कर देते हैं तो आपका वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। हाँ, उससे पहले आपको एक मैसेज देकर के पूछा जाएगा लिखित कि आप उस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। आप उसके बाद यस अगर कर देते हैं तो डिलीट हो जाएगा, नो कैंसिल कर देते हैं तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। प्रेसिंग द डिलीट की आफ्टर सेलेक्टिंग अ फाइल और फोल्डर डिलीट्स द फाइल और फोल्डर। नाउ बैक स्पेस की, दूसरा की जो है जो डिलीट करने का काम करता है वो है बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की, बैक पीछे की तरफ, यानी कि बाएं साइड, लेफ्ट साइड में या कैरेक्टर को कर्सर के बाएं साइड में जो भी कैरेक्टर होगा उसको इरेज करने का काम करता है बैक स्पेस। तो बच्चों, आज के वीडियो क्लास में चैप्टर 3 द कीबोर्ड के अंतर्गत आपने न्यूमेरिक कीपैड के बारे में और कुछ बातें जाना, उसके साथ ही एंटर की, एरो की, डिलीट की और बैक स्पेस की के बारे में जाना। तो बच्चों, मैं समझता हूं बहुत अच्छे ढंग से आप आज के इस वीडियो क्लास को समझ गए होंगे। आपके आज के वीडियो क्लास से संबंधित HW आपके गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर अवेलेबल है। आप वीडियो को देखें, गूगल फॉर्म पर जाकर के अभ्यास करें और तब HW को बना करके कंप्यूटर के HW ग्रुप में सबमिट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव नाइस डे।